नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर कमलों से मोंटेकाला लिमिटेड वाशिम यूनिट द्वारा विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य पर वाशिम सावरगांव स्थित भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर NHAI वाशिम प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राकेश जवादे ने मीडिया से बातचीत में कहा है, भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की पहल के विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देश में प्राकृतिक आपदा अगर आती है, ऐसे हालात में ब्लड की कमी न रहे, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति ने ब्लड डोनेट करना चाहिए। वाशिम जिला अस्पताल के डॉक्टर नरेश उदगिरे ने NHAI एवं मोंटेकाला की इस पहल को निकट भविष्य देश के लिए मील का पत्थर बताया है। इस अवसर पर NHAI द्वारा रक्तदान करने वाले सभी का सत्कार किया गया था। मोंटेकाला वाशिम यूनिट की प्रोजेक्ट मैनेजर संजय कुमार सिंह ने कहा है कि सभी चीजें का निर्माण फैक्ट्री में हो सकता है, लेकिन ब्लड और शरीर के अंगों का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे दान कर हर एक ने राष्ट्र निर्माण का कार्य करना चाहिए। हा जो प्रोजेक्ट आहे मेडशी टू वाशिम, त्याच्यासाठी हे जे कंट्रॅक्टर आहे इथले मोंटेकार्लो लिमिटेड यांनी त्यांच्यामार्फत हा ब्लड डोनेशन कॅम्पचा हा जो प्रोग्राम आहे इथे आयोजित केलेला आहे सावरगाव बडी येथील कॅम्पमध्ये। याचा हा जो प्रोजेक्ट आहे हा जवळपास 80% आता कम्प्लीट झालेला आहे आणि याच्यासाठी आमचे जे कंट्रॅक्टदार आहे मोंटेकार्लो लिमिटेड, तसेच अथॉरिटी इंजिनियर जे आहेत थीम इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड जयपूर आणि आमचा NHAIचा स्टाफ याचे मोलाचे सहकार्य लाभलेले आहे, त्याच्यामुळेच की आज आमचा प्रोजेक्ट जो आहे 80% कम्प्लीट होऊ शकले आहे। अपने कंपनी के और देश के सभी आम नागरिक से अपील यही होगा कि रक्तदान या कोई भी अंग दान जो है, ये बाकी सब चीज़ का निर्माण तो फैक्ट्री में संभव है, रक्त का निर्माण नहीं होता। इसका एक ही सोर्स है कि रक्त मानव से मानव को ही दिया जा सकता है और दिया जाना चाहिए, इससे हमारे आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं आता है, बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रक्तदान सबसे अधिक सहायक है। आप इससे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद में रक्तदान एक सीमित मात्रा में करते हैं। आप खुद स्वस्थ रहेंगे, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, आपका देश स्वस्थ रहेगा। मेरे राय में कोरोना की महामारी दो या ढाई साल से चालू है, इस वजह से अपने खून की बहुत सारी कमी आई वाली है। लोगों ने बहुत जगह अभी तक ज़्यादातर लोगों ने फिर डोनेशन कैंप हुई नहीं दो ढाई साल में, लेकिन इसकी जरूरत ज़्यादा है क्योंकि उनकी बहुत कमी आने वाली है। पूरे दुनिया में, पूरे महाराष्ट्र में, हर राज्य में कमी आने वाली है। इसके मद्देनज़र सबने रक्तदान करना चाहिए, उसको रक्तदान करने से शरीर में कोई हानि नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं आती, इसका सबने इसका संज्ञान लेना चाहिए। नागपुर से BCN न्यूज़ के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।